नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। एसपी ने बताया कि टीम ने बेहतर काम करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अंबाला छावनी के रहने वाले कपिल, विकास कालड़ा अंबाला शहर सेक्टर 8 से, तरुण तनेजा थाने सर कुरु क्षेत्र व रमेश कुमार निवासी शाहबाद को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि अभी तक इस मामले में करीब 60 लाख रुपए कैश, बैंक अकाउंट सहित अन्य तरीके से बरामद किए हैं। इसके अलावा इनसे 6 गाड़ियां भी बरामद की हैं। पूछताछ के दौरान कुछ अन्य आरोपियों के भी नाम सामने आए हैं। जल्द ही उन आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। एसपी ने आग्रह किया कि यदि किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है तो वह पुलिस को शिकायत दे सकता है। अर्थ प्रकाश की विशेष रिपोर्ट। अंबाला जिला के अंदर पिछले दिनों एक क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग नाम की वेबसाइट से संबंधित कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। इसमें हमने सदर अंबाला पुलिस स्टेशन के अंदर 218 नंबर मुकदमा 24 अगस्त 2022 को 406/420/120B में दर्ज किया था। इसी के अंदर हमने फर्दर एक SIT का गठन किया था, जिसके अंदर CIA 1 इंचार्ज और इसका नेतृत्व DSP जोगिंदर कर रहे थे। इसकी टीम को एक अच्छी कामयाबी हासिल हुई है। इन्होंने पिछले दिनों जो 4 मेन आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: कपिल जसवार, ये कीर्ति नगर अंबाला छावनी का रहने वाला है; विकास कालड़ा, ये सेक्टर 8 अंबाला शहर का रहने वाला है; तरुण तनेजा, ये थानेसर कुरुक्षेत्र का रहने वाला है; और रमेश कुमार, ये शाहबाद का रहने वाला है। इनका पुलिस रिमांड लेके अभी हम अच्छी तरह से इनसे पूछताछ कर रहे हैं, और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने लगभग 60 लाख रुपए की इनकी जो संपत्ति है या कैश या बैंक अकाउंट्स वगैरह वो हमने सीज किए हैं, और साथ ही इनकी 4 गाड़ियां इनोवा, वेन्यू, सियाज, डैटसन, रेडिगो, ये हमने सीज की हैं, और इनके 13 बैंक अकाउंट्स हमने सीज कर रखी हैं। अभी पूरा इनसे जो डिटेल में पूछताछ हुई है तो कुछ और आरोपियों का इसमें खुलासा हुआ है, जिनके लिए टीम्स हमारी अभी भरसक प्रयास कर रही हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्दी भी वो भी पकड़ लिए जाएंगे। टोटल अमाउंट ऐसे अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ही कंप्लेनेंट्स आए हैं, और आपके माध्यम से मैं अपील भी करूंगा कि जिसके पास जो भी एविडेंसेस हैं, तो अगर किसी ने इनके साथ जो संबंधित किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है तो वो लोकल पुलिस को सूचना दे सकता है। सर, कंपनी कहाँ से ऑपरेट होती थी? अंबाला है इसके मुख्य अक्यूज से या कहीं बाहर भी? अभी जो इसमें, क्योंकि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्रोसीजर के ऊपर चलती थी, तो जो लोकल हमारे यहाँ पे कुरुक्षेत्र के मेन जिसने प्रमोटर था वो मिस्टर तनेजा थे, और लोकली हमारे यहाँ पे जो बाकी एक्यूज जिनके मैंने अंबाला के रहने वाले हैं वो यहाँ के मेन प्रमोटर थे, जिन्होंने मेन इसके अंदर अपनी कमीशन और अपनी प्रॉफिट्स बनाए हैं। इनके ऊपर अभी और कुछ लोगों का हमें पता लगा, जिनकी हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं। कितना कुछ बड़ा गैंग हो सकता है इसमें? हाँ बिल्कुल, जिस स्तर पे ये काम कर रहे हैं, काफ़ी इसमें लोगों की हार्ड अर्न्ड मनी, कई लोगों की काफ़ी बड़ी मात्रा में लग रखी है, और हमने इससे जो इलेक्ट्रॉनिक और जो डिजिटल एविडेंसेस हैं वो भी कलेक्ट कर रहे हैं, उससे हमें एक रियलिस्टिक फिगर पता लग जाएगी इसमें कितने इनके टोटल मेंबर थे और कितने अमाउंट इसमें इन्वॉल्व था। आस पड़ोस के जिलों के अंदर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। इसके अंतर्गत तनेजा, जो कि न्यू लक्ष्मण कॉलोनी थानेसर जिला कुरुक्षेत्र का रहने वाला है, इसको हमने अरेस्ट किया। 12 सितंबर को हमने आरोपी रमेश कुमार, जो कि रिंडवा थाना शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र, फर्दर मेंबर्स बनाने होते थे, और जो जितने मेंबर्स वो आगे बनाएगा तो उसको उसकी एक फिक्स्ड रिटर्न मिलती थी, हर मेंबर के ऊपर उसकी एक रिटर्न मिलती थी। इसी नेतृत्व में साथ में CIA 1 और SHO सदर अंबाला की एक SIT का गठन किया था। इस SIT द्वारा पिछले दिनों इसके ऊपर बेनकाब करेंगे।
सर ये कि इसमें एक क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग नाम की वेबसाइट का को डेवलप किया गया और उसको होस्ट किया गया, उसमें ये एक मल्टी लेवल ट्रेडिंग डेटसन रेडिगो ये हमने इनकी सीज की हैं और अभी हम इनका फर्दर पुलिस रिमांड लेंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।